जेठानी जी है, एक चीज दिया है हमको बनाने के लिए, ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं? ये देखिए कितना बड़ा सीन है। हेलो दोस्तों, हलीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने जीवन में। दोस्तों हम जो है अभी हमारा तो सारा नियम हो गया है छोटी माता का, इसीलिए आज हम सब सेंटर पे जाने वाले हैं। हमारे गांव के पास ही है सब सेंटर, हम अभी वहीं पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहले हम घर का सारा काम कर लिए हैं और फिर अभी सब सेंटर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा जुनेद भी हमारे साथ सब सेंटर पे जाएगा। अभी वो खाना खा रहा है। जुनेद जल्दी करो, फटाफट 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 खाना खत्म करो, देर हो रही है। तो तुम नहीं जाओगे? जाओगे? ये देखिए जुनेद और उसके पापा भी खाना खा रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा जुनेद अभी तैयार होने के लिए आ गया है, उसका खाना खत्म हो गया है। जुनेद तुम बदमाशी करोगे तो हम तुम्हें नहीं लेके जाएंगे। हाँ अभी चुपचाप रेडी होना। ये देखिए दोस्तों, हम अभी सब सेंटर पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। रहा जुनेद और उसकी भैया भी जाएगा हमारे साथ और हमारी मम्मी जी भी जाएंगे साथ में। जल्दी करो, रुकिए जरा सा, सबर करिए। हो ही गया। और दोस्तों हमारी भाभी भी शायद जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि भाभी का चेकअप भी करवाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी मम्मी जी भी रेडी हो गया है अभी जाने के लिए और ये रहा हमारा जुनेद। आओ अरे चलो चलो, गेट बंद करना है। दोस्तों हमारी मम्मी जी अच्छी तरह से गेट को बांध रहा है, वरना बकरी घुसकर हमारे मम्मी जी का सारा फूल खा देंगे। ये देखिए चारों तरफ बकरी घुसते हैं और सारा टूटा फूटा है ना, इसीलिए चारों तरफ से बकरी घुसाते हैं बाहर। देखिए दोस्तों, हमारे घर के सामने ही कीर्तन भी हो रहा है शायद। देखिए दोस्तों, अभी हम मम्मी के घर पहुंच गए हैं और हमारा जुनेद और उसके भैया को हम सब सेंटर नहीं लेके जाएंगे, वे यहीं पर खेलेंगे। नहीं जाओगे? मन नहीं करता, झूल के। हमारे भाभी के तो अभी तक रेडी हुआ नहीं हुआ है, तो रेडी होने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी भाभी रेडी हो गई है, अभी हम सब सेंटर जाने जा रहे हैं। पीछे जाओ खेलो। देखिए दोस्तों, अभी हम सब सेंटर पहुंच गए हैं, पर यहाँ पर तो है ताला लगा हुआ है। यहाँ के डॉक्टर घर अभी तक नहीं आए, शायद नहीं आएंगे आज, हम फिर कभी आएंगे। अभी हम जा रहे हैं घर। दोस्तों अभी हम मम्मी के घर पहुंच गए हैं और हम अभी अपने दोनों बेटों के लेकर अभी घर जाएंगे।
उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं हमारी मम्मी जी है, जो देखिए कितना सुंदर खेती करके रखा है यहाँ पर लौकी का, और लौकी है और ये देखिए कद्दू है। के यहाँ गोबर बहुत है, इसीलिए यहाँ पर सब्जी बहुत अच्छा होता है। उधर टमाटर भी है, देखिए एक ही चांग पर कितना सारा पौधा उठा कर रखा है हमारी मम्मी ने। कुंदरी भी है और कद्दू भी है और लौकी भी है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जुनेद तो अभी घर जाने को मन नहीं है उसको, क्योंकि वो झूलना झूल रहा है। ये देखिए कितना सुंदर सा झूला है। जुनेद चलो चलो, खाना भी पकाना है घर जाकर, चलो। देखिए दोस्तों, हमारी मम्मी के घर में ऐसे मुर्गियां है ज़्यादातर, उसके गले में जो है नूम बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों, हम मम्मी के घर में चाय पीने के पी रहे हैं अभी, हम फिर चाय पी कर फिर घर जाएंगे। दोस्तों हम अभी घर से वापस आ गए हैं घर में, हमारे घर में, और अभी हम जो है हमारी जेठानी जी है एक चीज़ दिया है हमको बनाने के लिए। ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं? ये देखिए कितना बड़ा सीम है। इस सीम को है जो दोस्तों अभी हम जलाएंगे, फिर इससे हम चटनी बनाएंगे। ये देखिए हमने इसे जला लिया है। ये देखिए हमने दो तीन सीम इसे जला लिया है, और फिर हम इसे लहसुन और ये देखिए हमने लहसुन और मिर्च और नमक ये सब देकर अभी हम इसे चटनी बनाएंगे। ये खाने में बहुत स्वाद होता है, अक्सर ये चीज़ जो है पहाड़ में ज़्यादा मिलता है, हमारे जेठ जी पहाड़ से ही लाए हैं इसे। अभी हम इसका चटनी बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस चीज़ को जो है इस तरह से बीच में से निकालते हैं, ये देखिए बीच में से निकालते हैं, और इसका जो है छाले नहीं लेते हैं, सिर्फ इसका जो है अंदर का ये बीज और यही सब लेते हैं। ये देखिए आपको पता है हम इसे इस तरह से कूट कर चटनी बनाएंगे, इसे पीसना नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमने चटनी बना लिया है और इसे ऐसे ही कूट कर ही बनाते हैं, पीस कर नहीं बनाते हैं। ये खाने में बहुत स्वाद होता है। ये देखिए बहुत टेस्टी है। आप इस सीम को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए कैसा लगता है, और हमारे चैनल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बाय बाय।